जिला बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोर सिंधी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विद्यालय के अध्ययनरत 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की विद्यार्थियों को दूसरी डोज के लिए कोविड टीकाकरण किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री यशपाल जाष्टा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विद्यालय में 122 विद्यार्थियों में से 103 विद्यार्थियों का टीकाकरण किया गया है। शेष 19 विद्यार्थियों का प्रथम डोज व टीकाकरण देर से होने के कारण दूसरी डोज का टीकाकरण बाद में किया जाएगा, क्योंकि दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। इस अवसर पर अध्यापक वृंद व स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता श्रीमती मधुबाला, स्वास्थ्य कार्यकर्ता व आशा वर्कर भी उपस्थित रही। हमारी पाठशाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरसिंगी में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, इसमें 122 बच्चे जो है 9वीं से 12वीं तक इनको वैक्सीनेशन लगनी थी। इनमें से 103 बच्चों ने आज जो है वैक्सीनेशन में भाग लिया है। कुछ बच्चे जिन्होंने पहले लेट वैक्सीनेशन लगवाई थी, 19 बच्चे हमारे, उनको भी 28 दिन पूरे नहीं हुए हैं, उनको ये जो वैक्सीनेशन है, जो 19 बच्चे हमारे रह गए हैं, इनकी वैक्सीनेशन जो है ये 28 दिन बाद पूरी होगी, क्योंकि इनको 10 तारीख को ये वैक्सीनेशन लगी थी। तो मैं सभी से, अभिभावकों से भी यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है बच्चों को, वो बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आने वाले समय में अच्छी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि अभी कोरोना की जो बीमारी है ख़त्म नहीं हुई है। इससे, इस बीमारी से बचाव करने के लिए ये वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अपने बच्चों को अवश्य जो है वैक्सीनेशन की जो है डोज लगवाएं। धन्यवाद।